ANI is a government owned bank. The bank has over 2,500 branches in country A, spread all over states, union territories, including specialized branches. जो ANI है एक government owned bank है, ये country A में इसके 2,500 branches हैं, including all the states यानी union territories. These branches are controlled through 27 zonal offices and 4 NBG offices. और ये जितनी भी 2,500 branches है ये किसके द्वारा control करी जाती हैं, 27 zonal offices द्वारा और 4 NBG offices द्वारा. As a government owned bank, it has usually been the first preference for customer while choosing a bank. चूँकि ये customer bank है तो लोग इसको ज़्यादा prefer करते हैं, क्योंकि लोगों का मानना है कि जो government bank है उसमें पैसे डूबने की संभावना ख़त्म हो जाती है बिल्कुल. और in the last 6 years, the government has permitted a number of foreign banks to operate within the country in order to solve the problem of foreign exchange shortage and open up foreign trade as an instrument to promote economic developments. गत 6 वर्षों में जो गवर्नमेंट है कंट्री ए की, उसने नंबर जो कई सारे फॉरेन बैंक्स हैं उनको अपनी कंट्री में ऑपरेट करने के लिए परमिशन दे दिया है. और गवर्नमेंट ने ऐसा इसलिए किया है ताकि गवर्नमेंट की जो समस्या है फॉरेन एक्सचेंज शॉर्टेज की वो ठीक हो सके और जो फॉरेन ट्रेड है उसे ओपन किया जा सके, जिससे कि जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो प्रमोट होगा कंट्री का. दिस फॉरेन बैंक्स ऑफर्स डाइवर्स रेंज ऑफ सर्विसेज सच एज डायरेक्ट एक्सेस टू एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट, अ सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू कोऑर्डिनेट ऑल बैंकिंग नीड्स, अपॉइंटमेंट बैंकिंग टू सेव टाइम, फ्री ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज 24/7, फ्री अनलिमिटेड ATM एक्सेस एक्स्ट्रा. और जो फॉरेन बैंक्स है ये बहुत सारी अच्छी चीज़ सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करती हैं, जिससे कि जो कस्टमर है वो सेटिस्फाई होता है, कस्टमर का समय बचता है. इन कॉन्ट्रास्ट ANI हैज़ वेरी एलिमेंट्री इंफॉर्मेशन सिस्टम कवरिंग ओनली फॉर इंटरनल ट्रांजेक्शन हैंडलिंग एंड अकाउंटिंग एक्टिविटीज़. और इसके विपरीत जो ANI है उसका जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो सिर्फ अपने इंटरनल मैनेजमेंट के लिए ही है. कस्टमर हैव टू विजिट बैंक टू कैरी आउट ट्रांजेक्शन लाइक चेकिंग बैंक बैलेंस, कैश डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स, ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर इन ऑपरेशन आवर्स. और जो ये इंटरनल जो सिस्टम है और ये जो इंटरनल और जो ये इंफॉर्मेशन सिस्टम है ANI का, ये चूँकि सिर्फ अंदर वाले जो इनके ऑफिसर्स हैं जो इनके एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए है, तो जो कस्टमर है उनको क्या करना पड़ता है, जितने भी किसी भी तरीके के ट्रांजेक्शन पैसे जमा कराने हो, निकालने हो, नए अकाउंट खोलना हो, उसके लिए ब्रांच जो है वो हमेशा विजिट करते रहना पड़ता है. ऑफन कस्टमर्स कंप्लेन अबाउट द अमाउंट ऑफ टाइम एज द एम्प्लॉयज़ एंड क्लेरिकल स्टाफ ऑफ द बैंक कैन अटेंड ओनली अ फ्यू कस्टमर्स एट अ टाइम. और जो कस्टमर है वो कंप्लेन करते हैं कि बहुत ज़्यादा समय लगता है कई बार इसमें, और चूँकि जो स्टाफ है वो बहुत कम है और जो कस्टमर से बहुत ज़्यादा है, और जो स्टाफ है ज़्यादा से ज़्यादा एक या दो व्यक्ति को ही एक बार में हैंडल कर सकता है. मेरा अभी एक SBI का बैंक है, जब मैं उसके यहाँ जाता हूँ तो सुबह जाता हूँ 10 बजे, लाइन लगाता हूँ वो भी 10 बजे जा करके, और एक काम करवाना होता है उसके लिए कभी इधर जाओ कभी उधर, इतनी लंबी लाइन लगी रहती है. और करीब 1-2 बजे मेरे को वहाँ से काम करवा के मैं आता हूँ. इतना मेरे लगता है कि पूरा समय तो मेरा सिर्फ बैंक के एक ही उसमें बेकार हो गया. फिर मैंने इंडियन बैंक में एक नया अकाउंट खुलवाया, उसमें फटाफट जाओ, कस्टमर तो होते ही नहीं, खाली रहता है और जाते ही काम हो जाता है. तो कई बार तो मेरे को लगता है कि जो हमारी जो SBI की जो ब्रांच है वो उसमें क्राउड ज़्यादा है, तो उसको मेंटेन करने के लिए आपको बगल में एक और जो ब्रांच है वो ओपन कर देनी चाहिए, ताकि जो क्राउड डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और जो कस्टमर है उसका समय कम लगे. लेकिन ये लोग करते नहीं है, सरकारी बैंक के क्या करें अब, इनको कॉम्पिटिशन ही ठीक कर सकता है, इनको फीडबैक ठीक नहीं कर सकता. कस्टमर सर्विस इवोल्यूशन हैज़ नेवर बीन अंडरटेकन बाई ANI. और ANI ने कस्टमर सर्विस इवोल्यूशन कभी करवाया ही नहीं, वो उन्हें पता ही नहीं है कि उनके कस्टमर उनसे खुश हैं, नाराज हैं, कस्टमर क्या चाहते हैं. अदर प्रोसेसेस न्यू अकाउंट एप्लीकेशन आर कॉम्प्लेक्स. और जो काफ़ी सारे जो नए अदर जो प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि आपको नया अकाउंट खुलवाना है उसमें उसका प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है. उसमें कई काफ़ी सारी आपको जो डॉक्यूमेंट है वो कंप्लीट करनी पड़ती है. जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है अब वो चिंता कर रहे हैं कि जो ग्रोइंग पॉपुलैरिटी है वो फॉरेन बैंक्स की, उसके चक्कर में उनका धंधा जो है वो कम हो रहा है. मैंने बताया ना, जो सरकारी बैंक होते हैं या सरकारी कोई भी काम हो उसको कस्टमर फीडबैक बिल्कुल भी ठीक नहीं कर सकता, उसको सिर्फ कॉम्पिटिशन ही ठीक कर सकता है. यहाँ पर भी जो ANI के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो कंपटीशन से घबरा करके ही ये BPI लाना चाह रहे हैं. ठीक है,
तो एडवाइज़ हाउ बिजनेस प्रोसेस रेंजरिंग कैन बी यूज टू इम्प्रूव ANI's करंट प्रोसेस। तो पहली बात है कि अभी हमने थोड़ी देर पहले सिक्स सिग्मा देखा था, अब हम BEPR देख रहे हैं। तो जो सिक्स सिग्मा है वो जो रनिंग जो बिजनेस है उसके लिए होता है, और जो BPR होता है कि भाई बिजनेस डूबने वाला है, आज नहीं तो कल आपको पता है कि आपका बिजनेस डूबेगा ही डूबेगा। तो आप अपने बिजनेस को बचाने के लिए काम करते हो, और डूबे हुए बिजनेस को उभारने के लिए भी एक होता है, मतलब कि एक तो आपके बिजनेस डूबने वाला है और एक या तो डूब चुका है, इन दोनों के लिए आपको BPR लगाना पड़ता है, आपको अपना बिजनेस फिर से रनिंग में लाना है। तो अब हमें एडवाइस करना है कि जो BPR है वो किस तरीके से मतलब यूज़ किया जा सकता है ANI की करंट प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए। तो पहले तो आंसर में क्या कर रखा है, जो BPR जो है उसकी डेफिनेशन दे रखी है, जैसे फंडामेंटल रीथिंकिंग, रेडिकल रीडिजाइन, ये ग्रीन में जितनी भी हाईलाइट करेगी ये सिंपल से उठा करके डेफिनेशन चेप रखा है। फिर यहाँ पे कहता है कि अगर आपको BPR इंप्लीमेंट करने, तो सबसे पहले जो है आपको प्रोसेसेस जितने भी हैं उन सबको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, कैटेगराइज करना पड़ेगा। फिर आपको देखना पड़ेगा कि क्या इनमें से प्रोसेसेस जो हैं ये सारी, इनमें से कौन कौन सी वैल्यू एडेड प्रोसेसेस है, कौन कौन सी ऐसी प्रोसेसेस हैं जो कि वैल्यू एडिशन जो प्रोसेस है उनको सपोर्ट करती है, और कौन कौन सी नॉन वैल्यू एडेड प्रोसेसिंग हैं। तो जो नॉन वैल्यू एडिड वाली है उनको आपने हटा देना चाहिए, फिर जो वैल्यू एडिंग जो प्रोसेस रह रही है उनके ऊपर आपको BPR करना चाहिए, इसमें ये लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे केस डिस्कशन कर रखा है, कह रहा है कि आपको भी फॉरेन बैंक की तरह जो नई टेक्नोलॉजी है, नई फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करनी चाहिए कस्टमर को, और जो कस्टमर जो आप जो मैनुअली जो कस्टमर को आप दौड़ाते रहते हो अपने यहाँ बुला बार बुलाते हो हर काम के लिए, वो आपको ऑनलाइन कर देना चाहिए। फिर लास्ट में कहता है कि ऐसा हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में शुरू में चूंकि आपको टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा आपकी कॉस्ट बढ़ गई, लेकिन बाद में क्या करेगा, आपको एफिशिएंटली बना देगा, आपकी प्रोफिटेबिलिटी बढ़ा देगा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ा देगा, आपका जो मैनुअल एक्टिविटीज जो है बहुत ही ज़्यादा कम कर देगा, स्पीडी सर्विसेज आपकी हो जाएगी कस्टमर की। तो इतना ही है इस BPR वाले क्वेश्चन में। तो